मुक्ति गांवकर। मैं गोवा से आया हूँ, गोवा माइनिंग पीपल्स फ्रंट का अध्यक्ष हूँ। गोवा में जो माइंस बंद है लास्ट 8 मंथ से, वो माइंस शुरू करने के लिए पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट करना है, वो अमेंडमेंट करने के लिए प्रेशराइज करने, वो जो हमारा डिमांड है वो सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आयरन ओर की माइंस है ये, जो पुराना कालीन माइन है, अभी का नहीं है, जब पुर्तगाल 1905 से माइनिंग गोवा में चल रहा है। सडनली 2018 में 7 फरवरी को वो माइनिंग सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग बंद किया है। नहीं, यहाँ जो है लोग है वो माइनिंग में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर है, माइन ट्रक ऑपरेटर्स हैं, मशीनरी ओनर्स हैं, बार्ज ऑपरेटर्स हैं, बार्ज बार्ज में जो काम करना है वो मजदूर हैं, होटल वाले हैं, जिसके माइनिंग करीबन गोवा का टोटल पॉपुलेशन 15 लाख है, उसमें से 3.5 लाख लोग ये अफेक्टेड लोग हैं माइनिंग बंद के कारण। तो आप सरकार से क्या मांगे? हम जो हमारा जो डिमांड है वो गोवा अपना MRDA एक्ट है 1957, वो जो एक्ट है वो एक्ट हम अमेंड करना चाहते हैं। हमारा डिमांड अमेंड करने का है, क्योंकि हमारा जब एक्ट बनाया था गोवा में इश्यू ऐसा था कि गोवा में कभी भी माइनिंग लीज नहीं था, गोवा में माइनिंग कंसेशन था, वो पोर्तुगीज कालीन कंसेशन था, वो एब्सोल्यूट राइट था माइनिंग कंसेशन का। वो ट्रक वालों से क्या माइन में काम करने, उनका काम बंद हुआ है, मतलब उनको रोजगार नहीं मिला। अभी रोजगार उनका बंद ही हुआ है, अभी लास्ट 8 महीने से बंद हुआ है। तो कई मजदूरों को करीबन 10-15 हज़ार लोगों को निकाला है नौकरी से, और अभी 1 तारीख से और 10-15 हज़ार लोगों को निकालेंगे। तो माइन शुरू होगा तो बाकी धंधा शुरू होगा, उसमें रिपेयर वाले हैं, ट्रक मैकेनिक है, होटल रस्ते में रिमोल्डिंग काम करने वाले, ये जो टायर रिमोल्ड वाले हैं वो भी है उसमें। इससे पहले आपने गोवा में प्रदर्शन किया था? नहीं नहीं नहीं, हमने गोवा में 6 महीना प्रदर्शन किया, 5 जगह हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था। हाँ, वहाँ से कोई नहीं, वो बोले कि हम करते हैं, जब नहीं करते हैं तब ही मैं आए। हाँ, हम ये प्राइम मिनिस्टर से मेमोरेंडम देंगे और प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको टाइम दीजिए, एक अपॉइंटमेंट दीजिए, और हमारा जो इश्यू है वो हम आपके पास हमके सबमिट करेंगे।